बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फोर्थ क्लास, आज हम आपके साथ साइंस के लेक्चर नंबर 3 में हैं और आज हम अपने यूनिट नंबर 6 के लेसन नंबर 12 की रीडिंग करेंगे, ठीक है जी। और हमारा लेसन का नेम है सॉइल। आप लोग जो है वो अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक्स रख लें, अपनी पेंसिल्स रख लें। ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस पूरे चैप्टर के, वो सारे मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिख दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना है, तो आप ये पीछे से प्रॉपरली देख सकते हैं, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट 22-23 तक डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो सारे के सारे इस बोर्ड के ऊपर मैंशन है। इसके अलावा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं आपको साथ साथ उसके मीनिंग्स बताती जाऊँगा, ठीक है। इसको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो चलें अब हम अपनी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका पेज नंबर है जी 94। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेम ऑफ द लेसन इज सॉइल, यानी कि मट्टी। अब मट्टी के बारे में हम सारी इसके अंदर जो है वो डिटेल्स पढ़ेंगे। द आउटर सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज नोन एज सॉइल। वो आपको बता रहे हैं कि जो आउटर सॉफ्ट लेयर होती है ना, जो बाहर की परत होती है एक नरम सी, जहाँ पर जो पौधे हैं वो उगते हैं, उसको मट्टी कहते हैं। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सॉइल जो होती है वो ज़मीन पर जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो ओवर। जो प्लांट्स होते हैं उसमें मट्टी की ज़रूरत होती है ताकि वो उसमें पैदा हो सके या उग सके। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू मोस्ट एनिमल्स। वो कहते हैं जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर एनिमल्स को। प्लांट्स ऑल्सो प्योरीफाई एयर एंड इन्फ्लुएंस रेनफॉल। वो कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हवा को साफ करते हैं। आपको पता है ना, ऑक्सीजन को वो जो है एक्सॉल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो जितने भी जहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हवा साफ होती है, तो वो प्योरीफाई करते हैं हमारी हवा को। और इसके अलावा जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, उस पर भी असरअंदाज होते हैं, ठीक है। सो सॉइल ऑल्सो इनडायरेक्टली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग एनिमल लाइफ। तो वो आपको बता रहे हैं कि जो सॉइल है, जो मट्टी है, वो इनडायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो जानवरों की जिंदगी है उस पर भी इनडायरेक्टली वो जो है सॉइल वो अफेक्ट करती है। एंड इन्फ्लुएंसिंग वेदर कंडीशंस, और जो हमारी वेदर कंडीशन है, हमारे मौसम की जो हालत है, उस पर भी असरअंदाज होती है। विदाउट सॉयल देयर विल नॉट बी एनी प्लांट लाइफ ऑन देम। वो कहते हैं कि बगैर मट्टी के दुनिया में या जिंदगी में हमारे जो है वो कोई भी प्लांट जो है वो नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि मट्टी के बगैर कोई पौधे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, अब ये आपको बताएंगे कि मट्टी जो है वो बनती कैसे। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स। वो कहते हैं कि जो मट्टी है वो कैसे बनती है, जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे ज़रात के अंदर टूट जाते हैं। रॉक्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो रॉक्स होती हैं वो सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड बाय फोर्सेज ऑफ नेचर। वो कहते हैं लेकिन उस पर मुसलसल जो है वो अटैक कर रही होती है हमारी कुदरती कुवत, जैसे कि सच एज वाटर, पानी किस फॉर्म में, रेन में और फ्लोइंग वाटर में, यानी कि जो बहता हुआ पानी है या जो बारिश है, जो बरसता हुआ पानी है, विंड हवा के जरिए से एंड हीट और गर्मी के जरिए से, ठीक है। द कॉन्स्टेंट एक्शन ऑफ विंड्स, रेन्स, फ्लोइंग वाटर एंड द हीट ऑफ द सन वीकन द बाइंडिंग पावर ऑफ द रॉक्स। वो आपको बता रहे हैं कि जब ये सारे एक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमारी बारिश है, हमारी हवा है, हमारा बहता हुआ पानी है या जो सूरज की रोशनी है, ये सब मिलकर कॉन्स्टेंटली जब अफेक्ट करते हैं रॉक्स के ऊपर, तो उसकी जो बांधने की कुवत होती है, जो बाइंडिंग पावर होती है, वो वीक हो जाती है। रेन वाटर सीप्स इंटू टाइनी क्रैक्स। वो कहते हैं जो बारिश का पानी है वो टपकता है छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं ना रॉक के अंदर, उसके अंदर, इन द रॉक्स के अंदर। द क्रैक्स ग्रेजुअली ओपन अप, तो जो उसके अंदर जो क्रैक्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुलना शुरू हो जाते हैं। ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, टाइनी रॉक पार्टिकल्स एंड
डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिटेड इन दीज क्रैक्स. वो कह रहे हैं कि बहुत सालों के बाद जब कॉन्स्टेंटली ये अमल जो है, ये जो प्रोसेस है, ये होता रहता है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, यानी कि जो बाकियात होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, वो उसमें जमा हो जाते हैं. उन जो क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनके अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं. सम सीड्स स्प्राउट एंड प्लांट्स ग्रो इन दीज क्रैक्स. वो कहते हैं कि कुछ जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो इसके अंदर उगते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो उसके अंदर उग जाते हैं, उन क्रैक्स के अंदर. एज द प्लांट्स ग्रो बिगर, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो उन क्रैक्स के अंदर उगे हुए होते हैं वो बड़े होते हैं. द रूट्स फोर्स द क्रैक्स वाइड ओपन. तो जो उसकी रूट्स होती हैं वो फोर्स करती हैं, वो ताकत लगाती हैं कि वो जो क्रैक्स हैं उनको थोड़ा सा और वो वाइड कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, उनको और खोल देते हैं. फाइनली पीसेज ऑफ रॉक स्प्लिट ऑफ. कहते हैं कि फाइनली फिर आखिरकार ये होता है कि जो पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उसके, जो रॉक्स के जिसके अंदर हमारी जो पौधे हैं वो उगे हुए हैं, उनकी रूट्स गई हुई हैं, वो टूट जाते हैं एंड वेयर अवे और दूर हो जाते हैं. मतलब उसके अंदर क्रैक आता है तो फिर वो ऐसे करके सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वो कहते हैं ये जो प्रोसेस है वेयरिंग अवे रॉक्स का, दूर होने का, जो चट्टानें आपस में एक दूसरे से जो दूर होती हैं, उसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होती है? जो चट्टानों की सतहों पर कुदरती तौर पर जो अनासिर का अमल होता है वो जब उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं तो उसकी जो शक्ल, उसकी जो साख्त है, उसका जो टेक्स्चर है, उसमें जो चेंजिंग आती है, उस सारे प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं. ठीक है जी. दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, ये हजारों साल तक चलता रहता है. टिल द लार्ज रॉक्स ब्रेक अप इंटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड फॉर्म सॉइल. तब तक के जब बड़ी जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं हो जाती हैं और वो सॉइल बनाती हैं. ठीक है. मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ये सारा प्रोसेस चलता है, तो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जो है ये मट्टी जो है वो फॉर्म होती है. ठीक है. अब उसके बाद आ जाते हैं जी, वॉट डज सॉइल कंटेन. कि जो हमारी मट्टी है, जो मट्टी हमारे पास होती है, हमारी ज़मीन के अंदर है, वो उसके अंदर क्या होता है, उसकी बेसिकली उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ठीक है जी. बाय नाउ अब तक यू नो दैट सॉइल कंटेन्स टाइनी बिट्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स. वो कहते हैं अब तक आपको ये पता चल चुका है कि जो मट्टी होती है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, चट्टानों के. ठीक है. सॉइल पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. वो बता रहे हैं आपको कि जो मट्टी होती है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो ज़रात हैं, वो मुख्तलिफ साइज के होते हैं, उसका साइज सेम नहीं होता है. द बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विच आर ऑफ द साइज ऑफ राइस ग्रेन्स. वो कहते हैं कि बड़े पार्टिकल्स जो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, एक चावल के दाने के जितने, आर कॉल्ड ग्रेवल. उसको ग्रेवल कहते हैं, यानी कि बजरी. आप लोगों ने देखा होगा जब घर वगैरह बन रहा होता तो वाइट कलर के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उसको बजरी कहते हैं. ये आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है. उसके बाद है जी स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर समवॉट ऑफ द साइज ऑफ शुगर ग्रेन्स. वो कहते हैं जो छोटे, उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि उसका साइज ऑलमोस्ट, वो आपको बता रहे हैं कि शुगर के ग्रेन्स जैसा होता है, शुगर के जो दाने होते हैं उसके जितना होता है, आर कॉल्ड सैंड. उसको क्या कहते हैं? उसको रेत कहते हैं. द वेरी फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्ले. वो कहते हैं कि जो बहुत फाइन, बहुत बारीक पाउडर लाइक पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर की तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, उसको हम क्ले कहते हैं, यानी कि मट्टी कहते हैं. ठीक है. पार्टिकल्स विच आर बिटवीन द साइज ऑफ सैंड एंड क्ले आर नोन एज सिल्ट. ठीक है. वो पार्टिकल्स जो मट्टी और सैंड के इन बिटवीन होते हैं उसको हम सिल्ट कहते हैं, यानी कि गार, और उसके अंदर ज़रा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पानी की मिकदार उसके अंदर ज़्यादा होती है. ठीक है जी. सॉइल कंटेन्स द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. जो सॉइल होती है, जो मट्टी होती है, उसके अंदर जो हमारे पौधे होते हैं उसके बाकियात होते हैं, यानी कि जब वो गल सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, तो उसके जो रिमेन्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, एनिमल्स और जानवरों के भी. इट इज़ नोन एज ह्यूमस. इसको ह्यूमस कहते हैं, इसको उर्दू में भी ह्यूमस भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको नबाताती खाद भी कहते हैं. ठीक है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर. अब वो आपको बता रहे हैं कि जो सॉइल है, जो मट्टी है, उसके अंदर पानी भी होता है और उसके अंदर एयर भी होती है. ठीक है. हवा भी होती है और पानी भी होता है. अब नेक्स्ट पे आप आ जाएं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल.
यानी कि मिट्टी की कैसी कितनी किस्में होती हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वो आपको बता रहे हैं कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी तीन इकसाम होती हैं और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी मिकदार कैसी है उसके अंदर, ठीक है, वो किस तरह से उसके अंदर शामिल है, मतलब किस तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। अब इसको फर्दर इन्होंने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया और इसके हम आगे डिटेल्स पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल सबसे पहले आ जाती है। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल हैज मोर सैंड पार्टिकल्स देन ग्रेवल और क्ले। वो कहते हैं जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं बजाय इसके कि उसके अंदर बजरी के या मट्टी के पार्टिकल्स होंगे। इट्स कलर इज यूजुअली ब्राउनिश और ग्रे। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का यानी कि भूरे रंग का होता है या फिर ग्रे होता है, स्लेटी माइल होता है। सैंड ग्रेन्स आर ड्राई एंड होल्ड एयर इन द स्पेस इन द स्पेसेस बिटवीन देम। वो कहते हैं कि जो सैंड ग्रेन्स होते हैं ना, जो रेत के ग्रेन्स होते हैं, ज़रात होते हैं, वो ड्राई होते हैं, वो खुश्क होते हैं और वो अपने अंदर हवा जो है उसकी स्पेस को, अपने अंदर स्पेस के अंदर हवा को रोक लेते हैं। बट द सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर वेल, लेकिन वो पानी को अच्छे तरीके से अपने अंदर जो है वो रोक नहीं सकते। सैंडी सॉइल इज यूजली फाउंड इन डेजर्ट्स। वो कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है वो ज़्यादातर या आम तौर पर हमें सहरा वगैरह में मिलती है, रिवर बैंक्स या फिर हमारे जो दरिया हैं उनके किनारों पर, एंड एट द सी शोर या फिर समंदर के किनारे पर। नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। वो कहते हैं कि इस टाइप ऑफ सॉइल के अंदर ज़्यादातर प्लांट्स नहीं बनते, नहीं उगते। आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स के अंदर बहुत कम प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो रेत है अगर हम उसको पानी के अंदर रखें तो वो जल्दी बह जाती है, अगर वो पानी के रास्ते में आती है तो वो जल्दी बह जाती है क्योंकि वो पानी को रोक नहीं सकती है, अच्छे से उसको होल्ड नहीं कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है जी आपकी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल हैज अ लॉट ऑफ क्लेई पार्टिकल्स, उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स, उसके अंदर जो है वो मिट्टी के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। दीज स्टिक टूगेदर, वो आपस में चिपक जाते हैं एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, और वो मिट्टी को, वो पानी को रोक सकते हैं, मतलब उसकी जो वो ज्यादा फर्म हो जाते हैं आपस में और वो पानी को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक जगह पर अगर आप रेत रखेंगे, एक छोटा सा एक बल्ब सा बना दें, उसको बना दें, रख दें, और एक जगह पर आप जो है वो रेत रखें, एक जगह पर आप मिट्टी रखें, तो अगर आप पानी उसकी तरफ फ्लो करेंगे तो जो रेत वाली साइड है वो रेत ज़्यादा पानी के अंदर बह जाएगी क्योंकि वो उसको होल्ड नहीं कर सकती है, लेकिन जो मिट्टी है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो वहीं पर थोड़ी सी बहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो मिकदार है वो वहीं पर स्टे कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अपने अंदर पानी को होल्ड कर सकती है। बट देर इज़ नो स्पेस फॉर एयर इन द सॉइल, लेकिन उसके अंदर हवा की स्पेस नहीं होती क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो जुड़े हुए होते हैं। सो मोस्ट प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दिस सॉइल, वो कहते हैं इसलिए ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो इस सॉइल के अंदर नहीं ग्रो कर सकते। ओनली अ फ्यू प्लांट्स लाइक राइस, कहते हैं सिर्फ थोड़े से प्लांट्स जैसे कि राइस है, विच नीड अ लॉट ऑफ वाटर, जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। आपने देखा, अगर कभी देखा हो टीवी के अंदर या कभी ट्रेन में कहीं जाते हैं, किसी और जगह पर ट्रैवल करते हैं, रास्ते में खेत आते हैं, तो कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी खड़ा होता है, वो चावल के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है उन जगहों के वो वाली जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पर सस्टेन कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। अच्छा जी, पॉटर्स यूज क्लेई सॉइल टू मेक पॉट्स। वो कहते हैं जो कुम्हार होते हैं, पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कहते हैं, और इनके लिए जो वर्ड यूज होता है उर्दू में दैट इज कुम्हार, ठीक है। तो वो आपको बता रहे हैं कि जो पॉटर्स होते हैं वो क्लेई सॉइल को अपने बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लोम। अब लोम को उर्दू में लोम भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको चिकनी मिट्टी का गारा कहते हैं, ठीक है। लोम कंसिस्ट ऑफ बैलेंस्ड क्वान्टिटी ऑफ सैंड क्ले एंड ह्यूमस। अब वो आपको बता रहे हैं कि जो लोम होती है ना वो उसके अंदर मुतवाजन होता है, मतलब उसके अंदर बैलेंस्ड क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है सैंड की, क्ले की और ह्यूमस की। ये तीनों चीज़ें एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर, इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर, इसके अंदर होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है फर्टाइल होती है पौधों के लिए, ये हम सबसे ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होती है।
इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. ये अपने अंदर जो है वो काफ़ी हवा और पानी जो है वो होल्ड कर सकती है ताकि इसके अंदर जो है वो पौधे जो है वो अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सकें. लोमी सॉइल कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स. वो कहते हैं जो लोमी सॉइल होती है उसके अंदर ज़्यादा गजाई अज़ा होते हैं एंड ह्यूमस, और ह्यूमस होता है विच मेक्स द सॉइल सूटेबल फॉर मोस्ट प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट. जो कि उस मट्टी को इस काबिल बनाते हैं या मुनासिब बनाते हैं उसके लिए कि इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकें. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉइल इज इम्पॉर्टेंट. अब सॉइल हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे इसके अंदर. सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस. सॉइल जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, क्योंकि उसकी वो काबिलियत टू लेट प्लांट्स ग्रो इन इट, कि वो प्लांट्स को अपने अंदर उगने देती है. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते. हमारा सारा लाइफ सर्कल ऑलमोस्ट प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है. हमें पानी के लिए, हमें हवा के लिए, हमारे खुराक के लिए हमें प्लांट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जानवर भी प्लांट्स से खाते हैं. हम तो जानवरों को अगर खा भी लें तो बहुत से जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो वो जानवर मर जाएंगे. हमारी हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, उसके अंदर हम सांस नहीं प्रॉपर तरीके से ले सकेंगे. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है. ठीक है. अगर मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे, और पौधे नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. प्लांट्स कैन ग्रो ऑन सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी सब्सटेंसेस नीडेड फॉर अ प्लांट टू सर्वाइव. वो कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो मिट्टी के अंदर ग्रो करता है क्योंकि उसके अंदर वो सारे अज्जा होते हैं जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए उसके लिए ज़रूरी होते हैं. वो सब अज्जा, वो सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं. सॉइल पार्टिकल्स कंटेन मिनरल्स. वो कहते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल मिट्टी के ज़रात होते हैं, उसके अंदर मादनियात होती है विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स फॉर प्लांट ग्रोथ. वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए या उसके बढ़ने के लिए या उसकी अफजाइश के लिए ज़रूरी होते हैं. ह्यूमस प्रोवाइड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. जो ह्यूमस होता है वो प्लांट को या पौधे को मुख्तलिफ किस्म के गजाई अज्जा जो है वो देता है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड एयर नीडेड बाय द प्लांट. वो कहते हैं कि सॉइल जो होती है उसके अंदर पानी भी होता है और हवा भी होती है जो कि एक प्लांट को उसकी ज़रूरत होती है. ठीक है जी. अभी आपको अगर आप इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सारी सॉइल्स की पिक्चर्स जो हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं. ब्लैक सॉइल बनी हुई है, रेड सॉइल बनी हुई है, ब्राउन भी है और ग्रे भी है. ये सब आपको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है उन्होंने एज अ पिक्चर. ठीक है. आगे है जी रॉक्स कंटेन डिफरेंट मिनरल्स इन दैम. जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मादनियात पाए जाते हैं. सो सॉइल टू हैज़ डिफरेंट कलर्स. तो कहते हैं इसलिए जो सॉइल है उसके भी डिफरेंट कलर्स होते हैं. दे कैन बी ब्लैक, रेड, ब्राउन और ग्रे. अब जिस तरह के पार्टिकल्स जो मादनियात या जिस तरह के पार्टिकल्स उस सॉइल के अंदर ज़्यादा होंगे उसका कलर उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. तो वो आपको बता रहे हैं कि वो ब्लैक भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्राउन भी हो सकती है एंड इट कैन बी ग्रे एज वेल. ठीक है. आगे आ जाता है जी डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. अब मुख्तलिफ कलर किस्म के जो प्लांट्स होते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की हमें जो है वो मिट्टी चाहिए होती है. जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि चावलों को, चावल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं. उनकी काश्त के लिए अगर हमने उसको उगाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. तो उसके लिए हमें और तरह की मिट्टी जो है वो हमें रिक्वायर होगी. और इसके अलावा शुगर केन जो है उसके लिए हमें और तरह की मिट्टी रिक्वायर्ड होगी. सो ये आप आगे डिफाइन करते हैं कि किस तरह की फसलों को या किस तरह के जो हमारी चीज़ें हैं उनको किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है. डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप्स लाइक. वो कहते हैं जो काले रंग की मिट्टी होती है वो बेहतर होती है, गुड होती है, अच्छी होती है कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए और गन्ने के लिए. ठीक है. रेड सॉइल इज़ गुड फॉर राइस, वीट एंड शुगर के क्रॉप्स. को जो रेड सॉइल होती है वो चावलों के लिए, वीट के लिए यानी कि गंदम के लिए, और जो शुगर केन होता है जो गन्ने होते हैं उसकी फसलों के लिए बेहतर होती है. ब्राउन सॉइल इज़ गुड फॉर टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट. जो ब्राउन सॉइल होती है वो चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर के लिए और जो नारियल होता है उसके जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए वो बेहतर होती है. सॉइल इज ऑल्सो होम टू अ वराइटी ऑफ एनिमल्स. वो कहते हैं जो मिट्टी है वो बहुत से एनिमल्स का घर भी होता है. ठीक है.
जैसे आप लोगों ने देखा है कि इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। अब ये नीचे आपको तीन तरह के उन्होंने इंसेक्ट्स जो हैं वो भी दिखाए हुए हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं वो भी दिखाए हुए हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक आंट्स, बग्स, सेंटीपेड्स एंड अर्थ वॉर्म्स लाइक लिव इन सॉइल। वो कहते हैं कि कुछ छोटे जानवर जैसे कि आंट होती हैं, कीड़ियाँ होती हैं, बग्स होते हैं, कीड़े होते हैं या सेंटीपेड्स, इनको कहते हैं कंखजूले, ठीक है, ये बने हुए हैं सामने, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और अर्थ वॉर्म्स को केचुआ कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह के छोटे छोटे से होते हैं सांप की तरह के, वो जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। अर्थ वॉर्म्स मूव थ्रू द सॉइल क्रिएटिंग टनल्स। अर्थ वॉर्म्स जो हैं वो जो नरम मिट्टी होती है उसके अंदर वो मूव करते हैं, जब वो मूव करते हैं उसके अंदर तो वो उसमें टनल्स बना देते हैं, यानी कि सुरंगें बना देते हैं। प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड एयर थ्रू दीज टनल्स। अब जब उसके अंदर वो टनल्स बन जाती हैं तो प्लांट्स जो हैं वो और ज़्यादा पानी और हवा जो है वो अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं, क्योंकि वो गैप्स आ जाते हैं उसके अंदर। द टनल्स ऑल्सो हेल्प द रूट्स टू ग्रो डीपर इन टू द सॉइल। अब वो टनल्स जो है वो प्लांट्स को और ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं कि उनकी जो रूट्स हैं वो मजीद अंदर गहरी जा सकती हैं। अर्थ वॉर्म्स ड्रॉपिंग्स, जो अर्थ वॉर्म्स का जो टपकना होता है कॉल्ड कैस्ट्स, इनको कैस्ट्स कहते हैं, इनको बेसिकली कैस्ट जो है वो सांचे को भी कहते हैं, ठीक है, मेक द सॉइल फर्टाइल। ये सब जो है वो हमारी जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बना देता है, यानी कि जरखेज बना देता है। जरखेज ऐसी ज़मीन को कहते हैं जिसके अंदर जो पौधे हैं या जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से फलती फूलती हैं, ठीक है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। वो कहते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो जिंदा होते हैं, मतलब जानदार होते हैं, लेकिन हम उसको अपनी खाली आँख के साथ या नंगी आँख के साथ नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, इनको जरसूमे कहते हैं, ठीक है। सम सॉइल माइक्रोब्स हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को अच्छा उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये सारी हमने जो है आज अपनी रीडिंग ख़त्म कर दी है, आप लोगों को बता दिया गया है कि इसके अंदर जो है वो सॉइल बेसिकली बनती कैसे है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी काइंड्स क्या है, और उसकी जो है वो उसका काम क्या है, बेसिकली वो हमें हेल्प किस किस चीज़ में दे सकती है। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे आप लोगों ने साइंस जो है ना वो अपनी बहुत ध्यान से उसकी रीडिंग सुननी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप अगर डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढेंगे भी तो जब तक आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। अब आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग इसको दोबारा जो है वो रिवाइंड करके, वीडियो जो है कोई लाइन नहीं समझ आ रही है तो इसको दोबारा से आप लोग सुने, क्योंकि जब तक आपको इसको अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इसको वो कह लो कि वो बस रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं करना, अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़ना है। और आज हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपके लिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर मैं ये आपके वर्ड्स में लिख छोड़ रही हूँ ताकि आप इसको ध्यान से देख लें, कोई चीज़ जो आपको इन द लेक्चर स्किप हो गई है किसी चीज़ के वर्ड का मीनिंग वो आपको सामने बोर्ड पर नजर आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।